भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। उन्होंने 62 साल की उम्र में आज सुबह 6:45 पर आखिरी सांस ली। राकेश मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थे जब उनके निधन की जानकारी सामने आई। वो 2-3 हफ्ते पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए थे। शेयर बाजार के बड़े इन्वेस्टर माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी और उन्होंने हाल ही में एयरलाइन सेक्टर में भी प्रवेश किया था। उन्होंने नई एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और इस कंपनी ने 7 अगस्त से अपना ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। राकेश झुनझुनवाला के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और एक तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर मजाकिया और व्यावहारिक। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 40,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनकी इतनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार ही रहा है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने महज 5,000 रुपए से अपनी शुरुआत की थी और आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आकाशा एयर में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा की है। इसमें उनकी कुल हिस्सेदारी 45.97% है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 5,000 रुपए से की थी और साल 1985 में मुंबई की दलाल स्ट्रीट में कदम रखा था। राकेश पेशे से एक सीए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।